तो अभी हम लोगों ने बच्चों समझा कि पैरेलल विनेशन वाले जो लीव्स होते हैं, जैसे कि घास, सामान्य घास जो होती है, उसके रूट फाइबरस होते हैं, एकदम फाइबर जैसे होते हैं। अब ये जो पौधा है ये भी एक घास ही है, और लेकिन इसके लीव्स में विनेशन जो है ऐसा है, इसमें विनेशन रेटिकुलेट है, टेढ़े मेढ़े हैं, पैरेलल नहीं है। तो इसका रूट आप देख लीजिए और इसका रूट देख लीजिए, बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है ना। इसके रूट फाइबर जैसे होते हैं, पतले धागे जैसे, और इसका रूट मोटा होता है, इसमें से रूट हेयर थोड़े बहुत निकले रहते हैं जो अभी टूट गए हैं। तो ये डिफरेंस होता है पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन के रूट में। तो यानी अगर आप कोई पौधा नहीं भी उखाड़ेंगे तो आप अंदाज़ा लगाकर सही बता सकते हैं, जिसके लीफ में पैरेलल विनेशन होगा उसके रूट हमेशा फाइबरस होंगे, और जिसके लीफ में विनेशन टेढ़ा मेढ़ा होगा, यानी जैसे पत्तों की, ये पत्ता हो गया, इसको बोलते हैं लेमन ग्रास, है ना, ये खट्टा होता है इसलिए इसके नाम में लेमन ग्रास नाम रख दिया गया, लेमन जैसा खट्टा रहेगा। इसको आप लोग शुगर फ्री चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसका भी आप विनेशन देखेंगे तो एकदम सीधा सीधा पैरेलल है, यानी इसके रूट कैसे होंगे, इस तरह के होंगे कि इस तरह के होंगे, यानी लीफ आप देखकर पौधे के जड़े बता सकते हैं, उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग अभी घास को उखाड़ कर समझाना समझना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने उखाड़ा। अब इसके लीफ को अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसमें विनेशन टेढ़ा मेढ़ा है, पत्तों में बहुत सारे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर या नसों जैसे होता है ना, तो अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो समझ जाइए उसका रूट टैप रूट टाइप का है। ये रूट जो है टैप रूट सिस्टम है, और ये है पैरेलल विनेशन का फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही।